हेलो डियर्स, आज हम आपको एसी और डीसी मोटर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिससे कि आप मोटर को देखकर बता सकते हैं कि ये एसी है कि डीसी है। देखिए, अभी जो मेरे सामने आप मोटर देख पा रहे हैं, ये 3 फेज एसी मोटर है, सीमेंस मेक है, 22 किलोवाट और 40 एम्पीयर की फुल लोड एम्पीयर दक्षता है। इसका टर्मिनल बॉक्स है, अब इसको हमने स्टार में कनेक्ट कर दिया गया है। ये इसका ड्राइव एंड है, अर्थात जहाँ पर पुली लगी होती है, और इसका नॉन ड्राइव एंड है जहाँ पे कूलिंग फैन लगा होता है। एसी मोटर की बॉडी पर इस प्रकार की एयर फिन्स बनी होती है ताकि कूलिंग पंखा लगे चले तो एयर इससे होते हुए इसको पूरी मोटर की बॉडी सरफेस को ठंडा करती जाए। साधारणतः अधिकतर मोटर में ये इस तरह की एयर फिन्स बनी होती है, लेकिन ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा बनी होती है। तो ये मेरी एसी मोटर है। इस प्रकार मैं आपको डीसी मोटर पर लेके चलूँगा। देखिए, डीसी मोटर की संरचना कुछ ऐसी प्लेन बॉडी रहती है देखने में। ये इसका ड्राइव एंड है, इसकी शाफ्ट, और ये इसका नॉन ड्राइव एंड है। इसमें हम देख सकते हैं कि डीसी मोटर में अंतर क्या होता है। इसमें इस तरह की कम्यूटेटर, अर्थात ये एक आर्मेचर वाली विंडो बनी रहती है जिसमें हम ये आर्मेचर देख पाते हैं। ये इसका आर्मेचर है, और ये इसके कार्बन बॉक्स लगा हुआ है। इसमें कार्बन बॉक्स की सहायता से आर्मेचर को सप्लाई जाती है, देख पा रहे हैं आप। किसी भी डीसी मोटर में, ये सेपरेटली डीसी एक्साइटेड मोटर, किसी भी डीसी मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग, जबकि एसी मोटर में 3 वाइंडिंग होती है 3 फेज के लिए। या तो वो स्टार में होगी या डेल्टा में होगी, जबकि डीसी मोटर में 2 वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो डीसी मोटर के कितने टर्मिनल हो गए, F1 F2 A1 A2। अर्थात देखिए, ये F1 F2 है, यानी फील्ड वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं, और ये आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे हमेशा मोटर रहते हैं, मोटर वायर रहते हैं, क्योंकि इसका करंट ज़्यादा होता है, अर्थात इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसका करंट ज़्यादा होगा तो इसकी वायर भी मोटी होगी। यानी यहाँ से हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो वो आर्मेचर को जाएगी, और यहाँ से जो करेंगे वो फील्ड को जाएगी, देख पा रहे हैं आप। जबकि 3 फेज मोटर में 3 टर्मिनल होंगे या 6 होंगे। आप मोटर को देख पा रहे हैं फिजिकली, जबकि ये क्लोज रहती है, मोटर पूरी बंद रहती है। यदि आपको थोड़ा समझ आया तो मुझे कमेंट करें, यदि कुछ और भी